हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नगाड़ी में किया सांसद डांगे का जोरदार स्वागत। सांसद बनने के बाद पहली बार आए नगाड़ी। राज्यसभा सांसद नीरज डांगे का दो दिवसीय दौरे पर सिरोही है। उनका विभिन्न गांवों का दौरा है। वहीं गुरुवार को राज्यसभा सांसद नीरज डांगे नगाड़ी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नगाड़ी में पानी की टाकी का उद्घाटन किया। इसके बाद ग्राम पंचायत कोसित्रा के लिए रवाना हुए। इस मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष जीवाराम आर्य, सरपंच भारती देवी मेघवाल, पूर्व उप सरपंच दलपत सिंह देवड़ा, जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष भवानी सिंह भटाणा, जिला परिषद सदस्य मोतीराम कोली, पंचायत समिति सदस्य दौलाराम मेघवाल, समाज सेवी मोटाराम चौधरी, वार्ड पंच रतन सिंह देवड़ा, वार्ड पंच प्रकाश कुमार खाची, वीनाराम मेघवाल, किसान संघ इकाई अध्यक्ष मालाराम प्रजापत, जितेंद्र कुमार सेन, आशा राम इधरला आदि मौजूद रहे। वहीं नागाने के पड़ोसी गाँव पोसित्रा में खेल कूद प्रतियोगिता में भाग लिया। खो खो खेल कूद प्रतियोगिता का हुआ समापन। राज्यसभा सांसद नीरज डांगे रहे मुख्य अतिथि। राज्यसभा सांसद नीरज डांगे दो दिन के लिए सिरोही जिले के दौरे पर हैं। गुरुवार को कई गांवों का दौरा किया। वहीं राज्यसभा सांसद नीरज डांगे ग्राम पंचायत पोसित्रा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में खो खो खेल कूद प्रतियोगिता का समापन समारोह में भाग लिया और विजेता टीम को अपने हाथों से ट्रॉफी दी और छात्रों को संबोधित किया और बोला, सभी छात्र और सभी लोग कोरोना गाइडलाइन की पूरी पालना करें और छात्रों को खेल में बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। युवा ही देश के लिए खेले और नाम रोशन करें। इस मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष शिवाराम आर्य, सरपंच महेंद्र कुमार मेघवाल, कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष भवानी सिंह भटाणा, जिला परिषद सदस्य मोतीराम कोली, पंचायत समिति सदस्य दौलाराम मेघवाल, रावणा राजपूत समाज के पूर्व तहसील अध्यक्ष रमेश सिंह कबावत, कांग्रेस नेता पूरा राम मेघवाल, गोवर्धन सिंह देवड़ा, लक्ष्मण सिंह देवड़ा, सरेदान चारण, ललित भाई, नरेश पुरोहित आदि मौजूद थे। वहीं ग्राम पंचायत पोसित्रा के अंतर्गत नगवणा पराऊ गोलुआ को राजस्व ग्राम घोषित करने के लिए ज्ञापन दिया। लक्ष्मण सिंह देवड़ा और रावणा राजपूत रेवतर के पूर्व तहसील अध्यक्ष रमेश सिंह कबावत और समस्त गांव के लोगों ने मिलकर राज्यसभा सांसद नीरज डांगे को ज्ञापन दिया। जागरूक टीवी की नगाड़ी से महेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट।